हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं टिक मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टम यूआरएल कैसे सेट किया जाता है। ये जो कस्टम यूआरएल है जिनका यूट्यूब पे चैनल है उनके लिए है, जबकि 100 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद आपको जो है कस्टम यूआरएल सेट करने को मिलता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तुम्हें सिंपली जो तुम्हारा चैनल है उसका डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर तुम ढेर सारे ऑप्शन देख सकते हो। तो इसमें से तुम्हें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें से तुम्हें जो है वो चैनल पे जाना है। तो चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने भर रखी होगी। तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैनेज यूट्यूब अकाउंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है मैनेज यूट्यूब अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैनेज यूट्यूब अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाने के बाद ये तुम्हारे चैनल्स की कुछ डिटेल्स है। तो यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी एकदम नीचे दिखाई दे रहा होगा एडवांस सेटिंग। यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें जो है चैनल आईडी, यूज़र आईडी, ये सब दिखाई देगा। और यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कस्टम यूआरएल। जो मेरा कर्सर है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, जो कस्टम यूआरएल है यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम अभी जो हमारे है 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए हमें बोल रहा है कि आप एलिजिबल है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ ये कस्टम यूआरएल सेट क्यों करते हैं। क्योंकि कस्टम यूआरएल सेट करने से आपका जो चैनल है एक प्रोफेशनल बन जाता है और आपको बार बार आपके चैनल की लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। आप youtube.com लिखने के बाद स्लैश मार के आपके चैनल का नाम लिख दोगे तो वो सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ओपन हो जाने के बाद सिंपली यहाँ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल का नाम है टेक मी अप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है टेक मी अप और एक है टेक मी अप, और इस पर दिखाई दे रहा है सफिक्स। अगर तुम्हें टेक मी अप और कुछ लगाना हो, यानी कि टेक मी अप ऑफिशियल चैनल या फिर कुछ और, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जो चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, पर वो किसी ने डाला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये तो मुझे कुछ डालना नहीं है, तो इसको मैं सिंपली छोड़ देता हूँ। मुझे टिक में अभी चाहिए तो मैं इसे और सेलेक्ट कर लूँगा और आई हैव इस पर क्लिक कर लेना है। फिर तुम्हें कन्फर्म चेंज यूआरएल पे क्लिक कर देना है। फिर तुम्हें ऐसा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक हो जाने के बाद विद इन अ सेकंड ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा। और इसके बाद जो है तुम देख सकते हो ये चेंज हो गया है और ये मेरे सिंपली अभी सीधे से डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका है। तो अभी ये आ जाने के बाद अभी तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे सेट हो गया। तो इसको कैसा सेट हो गया ये तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम नया एक टैब ओपन कर लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। आपको सिर्फ youtube.com डाल के उसके आगे स्लैश लगा दिया तो सिंपली जो है आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं youtube.com सर्च youtube.com डाल दूंगा। यहाँ पे डालने के बाद तुम देख सकते हो, और यहाँ पे स्लैश डाल के मैं मेरे चैनल का नाम डाल दूंगा। तो सिंपली जो है आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ना कि तुम्हें पूरी को किसी को लिंक देने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तुम देख सकते हो टेक मी अप जो मेरा चैनल है इसका मैं सिंपली नाम डाल देता हूँ। ये सिंपली मैंने डाल देने के बाद तुम देख सकते हो मेरा जो है डैशबोर्ड वो जैसे का वैसा ओपन हो जाएगा। एक जो है प्रोफेशनल तरीका है कि चैनल का चैनल को दूसरे को बताने का। आप बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल को देख सकते हो, उनका जो है कस्टम यूआरएल सेट किया होता है। तो ऐसे इस तरीके से आप कस्टम यूआरएल सेट करते हो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। We'll be right back.
Thank you.